केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय मानक ब्यूरो की शाखा कार्यालय और प्रयोगशाला के नए भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एनडीए एकजुट है और हम जदयू के साथ लगातार चुनाव लड़ते रहेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पटना में करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमित होने की वजह से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज नहीं हुआ। कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आई 36 रुपए की कमी, लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत। पटना पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 23 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार, 33 लाख रुपए बरामद। अड़सठ किलो ज्वेलरी के साथ पटना जंक्शन पर गिरफ्तार हुआ तस्कर, सेल टैक्स की टीम मामले की छानबीन में जुटी। बांका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियारों के साथ दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राजधानी पटना समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान, तापमान में आई गिरावट। और राष्ट्रमंडल खेल में अंचिता शेवली ने 73 किलो भार वर्ग में भारत को दिलाया तीसरा गोल्ड मेडल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई।